दोस्तों आज फिर जो है दिव्यांग पेंशन वालों का पैसा सभी का भेजा गया। जैसा कि जितने लोगों का जो है दिव्यांग पेंशन वालों का पैसा जो है रुका हुआ था, पेंशन का पैसा रुका हुआ था, कि अब जो है सभी का दिव्यांग पेंशन का पैसा आज की डेट में रिलीज हो चुका है। आपको किस तरह से चेक करना है मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि जुलाई अगस्त सितम्बर का जिन पेंशनरों का जो है पेंशन का पैसा नहीं आया था, आज जो है उनका पेंशन का पैसा जो है रिलीज हो चुका है। आपको किस तरह से चेक करना है मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने मोबाइल से ही अपना पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं कि आपका पेंशन का पैसा आज की डेट में रिलीज हुआ कि नहीं हुआ। जैसा कि लगभग लगभग सभी का जो है पेंशन का पैसा, दिव्यांग पेंशन का पैसा रिलीज हो गया है। आपको किस तरह से चेक करना है आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा बना के लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपका दिव्यांग पेंशन है, आपका जो है विकलांग पेंशन है, और आपका विकलांग पेंशन का पैसा रुका हुआ था, नहीं आ रहा था, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि आज की डेट में जो है सभी का पेंशन का पैसा रिलीज किया गया है। जैसा कि आपको किस तरह से चेक करना है, जैसा कि सबसे पहले आपको सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के इस वेबसाइट पर जो है रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट पर आप जैसे आते हैं, यहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिल जाता है डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। जैसा कि अब जो है लगभग सभी पेंशनों का पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, और चाहे विकलांग पेंशन हो, और चाहे विधवा पेंशन हो। तो दोस्तों अगर आपका दिव्यांग पेंशन है तो आपको किस तरह से चेक करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा होता है कैटेगरी और यहाँ पर लिखा होता है सेलेक्ट, तो आपको सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करना है, और सेलेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारा ऑप्शन आपके सामने शो होके आ जाता है ना। तो अब आपको क्या करना होता है, सबसे नीचे चले आना है, और यहाँ पर सबसे नीचे से आपको दूसरे नंबर पर क्लिक करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा होता है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, तो आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और इस वाले ऑप्शन को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डीबीटी स्टेटस का, और यहाँ पर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने शो होके आ रहा होगा, जैसा कि यहाँ पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन लिखा होगा और यहाँ पर पेमेंट लिखा होगा। तो दोस्तों आपको जो है अपना पेंशन का पैसा चेक करना है, आपको पेमेंट चेक करना है, तो आपको सिंपली पेमेंट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट रहने देना है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है एंटर बेनिफिशियरी कोड, अगर आपको अपना बेनिफिशियरी कोड पता है तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना बेनिफिशियरी कोड को एंटर करना है, और अगर आपको अपना बेनिफिशियरी कोड नहीं पता है तो यहाँ पर लिखा होता है आर, या तो जो है आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर फिलअप करना होता है। जैसा कि आपको जो है अपना एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर फिलअप करना होता है, आपको अपने एप्लीकेशन आईडी में क्या फिलअप करना है, जैसा कि आपका जो भी दिव्यांग पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसा कि आपका विकलांग पेंशन का जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी होगा ना, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, तो आपको सिंपली उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आपको सिंपली फिलअप करना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली इस कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर लिखा होता है वर्ड वेरिफिकेशन, आपको वर्ड वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में इस कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करना है। जैसा कि आपके मोबाइल में जो भी कैप्चा कोड शो हो रहा होगा ना, आपको सिंपली उसी तरह से जो है अपना कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है, और कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद में आपको नीचे आना है, और यहाँ पर लिखा होता है सर्च, तो आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका पूरा डिटेल शो होके आ जाएगा। जैसे कि स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका पेंशन का पूरा डिटेल यहाँ पर पेमेंट का शो होके आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है पेमेंट डिटेल्स, जैसे कि आपका पेंशन का पेमेंट्स का डिटेल जितना भी होगा यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक शो होके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, एप्लीकेशन आईडी लिखा होगा, और यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम लिखा होगा, जिस नेम से जो है आपका पेंशन बना होगा उसका नाम यहाँ पर शो होके आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी कोड भी पता हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर में जब आप यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड डालते हैं तो आपको पता नहीं होता ना, तो आपको इसी बेनिफिशियरी कोड को यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ से अपना बेनिफिशियरी कोड को भी आप इसको अच्छी तरीके से टाइप करके कहीं पर रख लेना है, लिख करके आपको रख लेना है, क्योंकि आप आगे चल के आप जो है बेनिफिशियरी कोड से भी अपना पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एजेंसी कोड भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर स्कीम कोड भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपका आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आपको चेक करना है कि आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया गया या नहीं किया गया। जैसा कि आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं अक्टूबर में जो है 6 तारीख को लगभग पेंशन का पैसा ट्रांसफर एक बार इनका किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है रिजेक्टेड लिख के आ चुका है। जैसा कि यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस में इनका यहाँ पर एक बार रिजेक्टेड लिख के आ गया, क्या
कारण था कि जो है इनका रिजेक्ट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर लिखा होता है यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल, जैसा कि इनकी फाइल में जो है इनका यूआईडी मैच नहीं खा रहा था, इनके पेंशन में जो है इनका आधार कार्ड मैच नहीं खाया, इसीलिए जो है इनका पेंशन का पैसा इनके खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया। जैसा कि अब जो है सभी का पेंशन का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है, आपको पता हो ही गया होगा। आप थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं वैलिडेशन स्टेटस में यहाँ पर वैलिडेटेड लिख के आ चुका है, जैसा कि जब इनका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका, डीबीटी एनपीसीआई लिंक हो चुका, तो यहाँ पर जस्ट उसके दूसरे दिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 अक्टूबर को जो है इनका वेरीफाई वैलिडेटेड हो चुका। और यहाँ पर आप देखते हैं फंड स्टेटस में, जैसा कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहीं पर ध्यान देना है, जैसा कि फंड स्टेटस में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अप्रूव्ड बाई एजेंसी और यहाँ पर डेट भी लिख के आ रहा है 17 अक्टूबर 2023 को जो है इनका पेंशन का पैसा जो है अप्रूव्ड हो चुका है, जैसा कि आज ही की डेट में जो है इनका पेंशन का पैसा अप्रूव्ड हुआ है। दिव्यांग पेंशन का पैसा 17 अक्टूबर 2023 को अप्रूव्ड हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट स्टेटस में यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग अभी यहाँ पर लिख के आ रहा है, जैसा कि अभी जो है आज की डेट में इनका अप्रूव्ड हुआ है और इनका लगभग 24 घंटा या 72 घंटे में जो है इनका पेंशन का पैसा इनके अकाउंट में डायरेक्टली जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब जो है पेंशन का पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग की जगह यहाँ पर पेमेंट सक्सेस लिख के आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से चेक करिए कि आपका दिव्यांग पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, आपका जो है अप्रूव्ड हुआ एजेंसी के थ्रू अप्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। जैसा कि जब जो है आपका एजेंसी के थ्रू जो है अप्रूव्ड हो जाता है तो आपका जो है कंफर्म हो जाता है कि आपका पेंशन का पैसा जल्दी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आपका पेंशन का पैसा, आपका दिव्यांग पेंशन का पैसा आखिर में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया कि नहीं किया गया, पेमेंट रिलीज हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपको लाइव प्रूफ करके यहाँ पर दिखाई दिया, आपको इसी तरह से चेक करना, आपको ना पेंशन का पैसा इसी तरह से चेक कर लेना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।